मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़ और यहाँ पर खासकर मैं आपको बता दूं कि एक महिला जिनकी उम्र 20-21 वर्ष बताई जा रही, तितली ग्राम पंचायत है जहाँ सुबह का मामला है। लगभग जो बताया जा रहा है 9 से 10 के बीच में एक महिला जो है सुसाइड कर लेती है, लेकिन इस सुसाइड पर भी सवाल उठ रहा है। मायके वालों का कहना ये है कि मेरी बेटी को इन लोगों ने मारा पीटा और जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस पूरे मामले पर हम इस ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, कुछ तो ग्रामवासी भी हैं। हालात कभी कभार ऐसे होते हैं जो पड़ोसियों को भी कुछ पता होता है। इस सिलसिले पर जो है हम सभी बात करेंगे। एक पक्ष जो इधर है, जो कि मैं आपको बता दूं कि मायके पक्ष वाले इधर हैं और यहाँ पर जो है ये ससुराल पक्ष की यानी कि जो महिला है उनकी सास है, ये इनसे भी बात करेंगे। अब तक जो है आपको बता दूं कि बॉडी जो है पीएम के लिए रवाना हो चुकी है और पुलिस यहाँ से जस्ट अभी बॉडी लेकर यहाँ से रवाना हुई है। इस संदर्भ में पहले हम जो है मायके पक्ष से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले तो बहन से बात करेंगे, क्योंकि बहन का कहना ये है कि मेरे पास वो कॉल करती थी और बात करती थी, बात के दौरान उनके द्वारा कुछ ऐसा बताया गया जिसके संदेह पर इनका कहना है कि फांसी के फंदे पर लटकाया। इधर आइएगा। नाम क्या आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी, कब आखिरी बार बात हुई थी आपकी बहन से? बहन का नाम क्या है? पूजा। पूजा नाम है, तो पूजा से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? परसों बात हुई है। जिस दौरान बात हुई थी उस टाइम पर कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि मारपीट, लड़ाई, झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अच्छे से उस दिन बात की है। बस कल नहीं बात हुआ है, कल से फ़ोन नहीं आया। आज सुबह इनके क्या कहते लड़के फ़ोन किए थे तो कह रहे हैं आपकी बहन ऐसे से कर लिए। मतलब आपके जीजा के द्वारा आपको फ़ोन लगाया गया और फोन लगाने के बाद बताया गया कि मर गई। और बता रही थी 7 बजे फांसी लगाए हैं, वो हमारे पास 7:30 बजे फोन ही किए थे। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि 9 बजे के 10 बजे के आसपास का ये झूठ बोली है। 7:30 बजे कह रहे थे कि फांसी लगाया गया, 7 बजे सुबह लगा हुआ है। इतना सुबह लोग काटने चले गए? नहीं, ये बताइए कि कोई भी इंसान हो लगभग 7-8 बजे के बाद ही जाता है कहीं खेती करने के लिए। बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि रात को मारपीट के लटकाया गया या ऐसा लगता है कि सुबह ही हुआ? ये सुबह तो नहीं हुआ है, सुबह इतना जल्दी हो जाएगा बताइए? और क्या कहते हैं 7 बजे ही चले जाएंगे लोग खेत में, हुआ होगा रात में ही किए होंगे। प्राण ऐसा नहीं। मायका कहाँ है? मायका रेणु सागर है। रेणु सागर है। कब शादी हुई थी? 11 जून को। 11 जून को। आगे की जानकारी आपसे लेंगे, आपसे भी बात हुई थी? जी हाँ, इस समय हमसे 5-6 दिन से बात नहीं हुई थी, लेकिन पहले बात हुई थी तो सब ठीक ही था। 1 महीना पहले बात की थी तो बहुत डर डर के कहा करती थी कि दीदी भेजो मम्मी लोग को, मामा लोग को, हमको इन लोग मार के फांसी में लटका देंगे, भेजो, अकेले मत भेजना। बोलते हैं कि तुम लोग अपने मम्मी मामा को अकेले भेजोगी तो हम सबको मार देंगे, इसलिए पुलिस वाले के साथ भेजना। मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है अभी तक। पुलिस वाले के साथ भेजना है? हाँ। मतलब डर पहले से ही था? हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपकी शादी कहाँ हुई है? सजमानी। अच्छा, सगी बहन है आप? हाँ। सजमानी में हुई है? हाँ। हमारे साथ यहाँ पर माँ जुड़ रही हैं और माँ से बात करेंगे। माता जी, नाम क्या है आपका? रेमुन देवी। रेमुनिया देवी के? रेमुन देवी। रेमुन देवी। हाँ। कहाँ से हैं आप? रेणु सागर से। कब पता चला आपको कि आपकी बेटी फांसी के फंदे पर? हमको अभी पता चला है, कम से कम घड़ी तो नहीं देखे, 9 बजे के लगभग, सुबह नौ बजे पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे हो गई, उसको कर दिया गया। हाँ, तब हम वहाँ तनी दूर से भाई आते लगा, हमारे तो लड़का है नहीं, 4 लड़की हैं, एक गाड़ी के चलते धमकी दे रहे थे। हम 2 लड़की का शादी किए एक दिना, ठीक ना, हमारे पति आम के पेड़ पर से गिर गए थे, हम उन्होंने दवाई कराए कर्जाकारी का, फिर दोनों लड़की के शादी सेट हुआ था तो गांव टोला सब मिल के शादी किए, ठीक ना, सब चीज़ दिए, खाली एक गाड़ी नहीं दिए। सर हम एक गाड़ी कैसे दें, एक ठोको 2 लड़की का, एक गन आंगन में शादी किए हैं तो हम कैसे गाड़ी दें? गाड़ी के चलते हमारे लड़की के जान मार दिए। हाँ। पति का नाम आपके? छोटे लाल। तो वो क्या करते थे? वो प्लांट में गाड़ी चलाते थे। तो बेटी का शादी किया था उस टाइम पर कुछ डिमांड हुई थी? हाँ, वो बेटी का शादी किया था तो मतलब इन लोगों ने बेट पे थे ये लोग, उस समय कुछ नहीं किए थे, बाद में किए थे। जब वो बेड पर से गिर गए हैं, उनको लेके हम मतलब सब दवाई कराएं, फिर एक के बाद ये लोग बाद में डिमांड किए हैं गाड़ी के लिए। तो बताइए, हम सारा सामान दिए हैं, खाली एक गाड़ी नहीं दिए हैं, सामान इतना दिए हैं ना कि हम पूरा मोहल्ला दिए हैं, दोनों लड़की के बराबर दिए हैं, लेकिन गाड़ी नहीं दिए। हम दो दमाद ये करे हैं, बड़े दमाद को गाड़ी नहीं दिए तो हम ये लोगों के कैसे दें? देखिए, गाड़ी को लेकर के आज हर कोई आरोप लगा देता है माता। हाँ। मतलब कोई भी हो कह देता है कि गाड़ी नहीं दिया इसलिए जो है सुसाइड पे लटका दिए, मार के लटका दिए। हाँ।
कोई असली वजह और खास कि सिर्फ गाड़ी को लेके ही आपका कहना है? असली वजह यही है, दहेज पर दहेज के लिए। और पहली बात एक ऐसा कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास जब ये दहेज की बात करते हैं? मोबाइल बड़ी लेते थे सर, हम तो चलाने नहीं जानते। आपकी बेटियों से बात हुई, ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर ये बता सके कि ऐसा कुछ? हाँ, रिकॉर्डिंग वही लड़की लोग फांसी वाला, हाँ लड़की लोग किए हैं। वो ना वो लड़की बोली थी कि मम्मी रे एक औरत से ही घर में लेकर आते हैं और उसके चलते हमको मारते हैं, जो कुछ बोल दे ला तो फंसा बताई थी। तो हम सोचे, हम बोले इन लोगों को हाँ की, तो बोली कि मम्मी हमारे उसके चलते वो औरत के चलते हमको मारते हैं। हाँ तो बोला था कि तुम्हारे बाप गाड़ी नहीं दिया है, बाप लंगड़ा हो गया है, गाड़ी नहीं दिया, तुमको मार के लटका देंगे। और जनक बोला था कि हम मार के लटका देंगे, हमसे भी बोला था। हाँ, किस परिवार से बिलोंग करते, कौन सा समाज है ये? ओबीसी है, दाहिया परिवार। हाँ, दाहिया परिवार। तो ये दाहिया परिवार की खबर आपके सामने है और इस वक्त मैं तितली ग्राम पंचायत में, हमारे साथ जो है अब महिला की जो है सास है, और भी हम लोगों से बात करेंगे लेकिन पहले परिवार से बात हो रही है। क्या कहना है इस संदर्भ में आपका, घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोग कहाँ थे? हम लोग खेत चले गए हैं। घर में कितने बजे खेत गए हैं? हम 7 बजे निकल गए हैं खेत। किस खेत में और क्या करती थी वो? धान काटत रहे हैं। धान की कटाई चालू? हाँ, धान का कटाई चालू है। अच्छा, हाँ 7 बजे निकल गयी। हाँ, घर कब लौटी आप? घर 9 बजे के बाद घर लौटे हैं। अगर आप 9 बजे लौटी तो इनको 7:30 बजे फोन कैसे चला गया? कौन करे हैं फोन? हम आपके बेटे के द्वारा फोन गया 7:30 बजे, आप 9 बजे लौट रही हैं। अगर आप 9 बजे लौटी तो इनके पास 7:30 बजे फोन कैसे पता चल गया आपके बेटे को कि वो मर गई, सुसाइड कर लिया है उन्होंने? हम लोग का जाने साहब आए दौड़ के हम लोग। हाँ, तो जाने। क्या आपके घर में और भी कोई रहता है आप लोगों के अलावा? क्यों नहीं रहे? फिर उन्हें किसने बताया कि आपकी बहू ने सुसाइड कर लिया है? इन्हें कैसे पता चला 7:30 बजे? बताइए ना, कैसे पता चला इनको? अगर आपकी बेटी के साथ होता तो क्या कहती हैं आप? काटे चले गए, हम कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, आप देखिए खेती करने गई थी, ठीक है, मार के चोट के निशान पाए जा रहे हैं उनके जो है पूरे। नहीं मारी ना साहब, क्यों नहीं मारी? हम लोग सब खेते रहे, ने कैसन बात बताई थे। तो फिर इनके पास फोन कैसे गया? कैसे गए फोन? ओ घरे गए रहे हैं, जौन फोन है ना ओ घरे से फोन लिया है, हम लोग काटे चले गए। महिला के पास कोई फोन नहीं रहता? आपकी बहू के पास कोई फोन था? फोन नहीं रहे। जब फोन नहीं रहता तो जौन बहू है ना बड़ी वाली जेठ का पतो, वो मोबाइल लेके आए हैं, पता नहीं कितनी दार लेके आए यहाँ पे है, वो यहाँ पे है लेके मोबाइल चले। क्या वो बहू यहाँ पे है वो जिनकी बात कर रही है? मोबाइल धरी है ना, का हो गया मोबाइल, वही मोबाइल से बात करी। जेठ की बहू यहाँ पे है? हाँ, वो यहाँ पे इनके जेठ की बहू है क्या? लेके गए अब सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो आपका कहना है कि हम 9 बजे लौटे, लेकिन कहानी यहीं पे अटक रही है कि अगर आप 9 बजे आई तो परिवार को जानकारी 7:30 बजे कैसे, और खासकर अगर महिला के पास फोन नहीं है तो पति तक ये जानकारी कैसे पहुंच गई? सवाल कई हैं और सबसे बड़ी चीज़ें ये कि दहेज को लेकर के अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज भी दहेज को लेकर के इस तरीके से अगर बेटियां मर रही हैं और इस तरीके से अगर ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर एक बड़ा शिकंजा कसने की आवश्यकता है। हालांकि इस पड़ोस में एक घर है, यहाँ पे इनके निवासी हैं, यहाँ पे आप लोग हैं, ये घर किसका है? मतलब वहाँ दूर हैं वो लोग? नहीं नहीं, आप हैं भैया, आप हैं क्या इस घर के मालिक? अच्छा, अड़ोस पड़ोस वाले हैं कोई यहाँ पे? आप कहाँ से हैं? हम बहन हैं, हम किसकी? हम हमारा मिले, हम आज आए हैं। अच्छा, आज आप हैं, अड़ोस पड़ोस में आप हैं क्या? नहीं दूर कहीं बुलाए थे। मतलब आप कहाँ से हैं? हम घेरा का बुलाए। बिल्कुल, तो हम पड़ोस से भी जानेंगे ये चीज़ें कि क्या मारपीट हो रही थी, क्या कोई चिल्लाहट, कोई रोने की आवाज़, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि पुलिस ने तो अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर लिया है लेकिन इन्हें जो है भरोसा अभी भी नहीं है।
और हम आपके सामने हैं। और भी किसी से अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोई पड़ोसी नहीं है, बाकी सब दूर दूर से हैं जो यहां पर इनके गम में मौजूद हैं। लेकिन ये माँ हैं जो इनकी हालत आप देख पा रहे होंगे। साथ में लड़के के जो है यहाँ पर परिवार की अगर बात करूँ तो उनका बताया जा रहा है कि दो और हैं बेटे, लेकिन वो बेटे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। दो बेटे आपके कहाँ हैं अभी? दो बेटे आप बताया ना आपने कि कुछ और लड़की के जो देवर हैं, यानी कि इनके जो लड़की के देवर हैं, हाँ। वो कहाँ हैं अभी? लड़की के देवर हैं, लड़की के देवर हो गया गोरु रकरन कर इसे काटा गया रहन सबके। नहीं नहीं नहीं, देवर कहाँ है? अभी तो यहीं हुए देखने। कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? 17 का है इसे। 16-17 साल के हैं। नाम क्या है? जना राजकुमार। राजकुमार क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, घर मेरा। पढ़ाई लिखाई कुछ? पढ़ाई लिखाई पर वो ऐसे छोड़ दी, साहब नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, घर में ही रहते हैं। हाँ। और कोई बेटा है आपका? छोट वाले हैं तो वो ऐसे घूमता ही रहा था। ये जेठ की बहू हैं? इनकी जो जेठ की बहू की बात कर रहे हैं या पड़ोस में रहने वाली? कहाँ? मतलब बड़े पापा का पता ही नहीं, दूजे नहीं देखे आप? ये अच्छा अच्छा। कभी आपके फोन से किसी भी परिवार को उन्होंने कॉल किया था क्या? नहीं, सुबह हम बैठे रहे तो कहीं मोबाइल मांगे तो कहीं दीदी मोबाइल ला थोड़ी से, तो हम कहें ला ला चार्ज मिला। अभी बच्चे लेके हम बैठे रहे, अब वहाँ से लेके मोबाइल आए तो हमें नहीं पता लगा कि कहाँ बात करें, कहाँ नहीं, मतलब मोबाइल मांगे तो हम दे दिए। फिर इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं जानते। जो मोबाइल महिला के सब के नीचे, यानी जहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है उसके नीचे एक मोबाइल पाया गया है, किसका फोन है? आपका तो नहीं? हमारा। तो आपको फोन देने वापस नहीं गई थी? नहीं गई थी। फिर आप कब पहुंची वहां बॉडी के पास? कैसे पता चला आपको कि सुसाइड कर ली है? फोन कब आप लेने गई? हम गए 8-9 बजे के लगभग। 9 बजे के आसपास जब आप पहुंची तो फोन था वहां पे? हाँ, फोन था। कहां पे फोन था? वहीं रखी रही नीचे। और घर में कौन कौन था? नहीं रहे, घर में कोई नहीं था। कभी मारपीट का ऐसा मामला आपने सुना क्या? कुछ नहीं, कोई चीख पुकार कुछ नहीं, हंसते हंसते तो मोबाइल लेके आए हैं। अब हम नहीं जान का इनके मन में है कहाँ नहीं है। मतलब आपके फोन में रिकॉर्डिंग वगैरह चालू है? नहीं, हमें नहीं चालू। नहीं चालू है। आपके पति क्या करते हैं? बाहर। आपका नाम क्या है? नहीं, सदाहिया। अच्छा, ससुर का नाम? शंभू नाम है। शंभू दाहिया जी? खत्म है। अच्छा, नहीं है वो? नहीं। तो इनके फोन से बात हुई थी, लेकिन क्या बातें हुई अब तक स्पष्ट नहीं हो रही। और आपका कहना यह है कि मैं जब पहुंची वहां पर तो घर में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ फोन जो है उसके पांव के नीचे मिला मुझे। और मारपीट को लेकर के अगर बात की जाए तो इनका कहना यह है कि ऐसा कुछ मामला जो है चीख पुकार या ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हालात जो है आपके सामने हैं, आईने की तरफ साफ, एक तरफ आरोप और एक तरफ जो है प्रत्यारोप कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हम घर में मौजूद नहीं थे। अब पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर में जो चोट के निशान हैं वो पहले के हैं या आज के हैं, आज ही मारपीट हुई या पहले। वो चोट के निशान जो है पीएम से ही पता चल पाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि जो फांसी पर लटकी जो महिला है उसका पूरा पाँव जो है तख्ते पे मौजूद है, यानी कि जो लकड़ी का जो तख्त है उस पर मौजूद है, पांव उसके रखे हुए हैं और वो राउंड भी नहीं कर सकती। लेकिन फांसी के फंदे के जस्ट बगल में यह भी बताया जा रहा है कि कुर्सी मौजूद रही, जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, तरंग क्राइम पर खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। हाँ बताइए ना, क्या जब हम लोग आए थे ना तो लहाज के पास फोन नहीं था, बाद में फोन आया? नहीं है। तो फोन लेके गई थी आप? पुलिस ले गई, फोन पुलिस ले गई थी, लेकिन फोन बाद में रखा गया है। नहीं, पुलिस लेके गई थी फोन को जांच पड़ताल के लिए, इनका हाँ। कहना है हाँ। और वो तो जरूरी भी है, पुलिस तो ले रहा है, पुलिस की नहीं दी। तो ये सारी कहानी रही, लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर में मौत ये हुई तो हुई कैसे, किस बात से प्रताड़ित हुई? अगर उसने सुसाइड किया है तो सुसाइड करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसके लिए भी अपने मस्तिष्क में बैठाना पड़ता है कि मुझे मरना है। और ये तभी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, तो आखिर में परेशान होने की वजह क्या थी, वो वजह का जिम्मेदार कौन है, यानी किसकी वजह से परेशान थी, बहुत सारे सवाल हैं। लगातार जुड़े रहिएगा, देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्यवाही क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।